राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा है प्रभु की कृपा से सब अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जुलाई में सूर्य चंद्रमा की राशि कर्क में, यानी 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो सूर्य के कर्क राशि में जाने से कुछ राशि वालों की किस्मत चमक उठेगी। जाने सूर्य के गोचर का प्रभाव क्या होगा। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है। सूर्य पिता साहस, ऊर्जा, आत्मविश्वास व तरक्की का कारक है। जन्म कुंडली में सूर्य की शुभ स्थिति जातक को रंक से राजा बना देती है। सूर्य की कृपा से ही जातक को जीवन में यश और सम्मान की तरक्की की प्राप्ति होती है। 16 जुलाई 2024 मंगलवार यानी आज सूर्यदेव कि कर्क संक्रांति है। इस दिन सूर्य देव मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य का कर्क राशि में गोचर आने वाले 30 दिनों तक कई राशियों के लिए बहुत ही शुभ एवं लाभकारी रहने वाला। जाने इन राशियों के बारे में, कौन सी भाग्यशाली राशियां। इसका मिला जुला असर तो सभी पर रहेगा, लेकिन इन राशियों के लिए यह विशेष फलदायी होगा। तो आइए देखते हैं कि कौन सी वो विशेष भाग्यशाली राशियां हैं, 5 राशियां जिन पर सूर्यदेव की कृपा रहने वाली है। जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि माता लक्ष्मी के भक्त जो माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो जानते हैं सबसे पहली भाग्यशाली राशि के बारे में। वह है राशि चक्र की पहली ही राशि मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए सूर्य राशि का परिवर्तन बहुत शुभ रहेगा। आपको नौकरी व व्यापार में तरक्की व सफलता के योग मिल रहे हैं। अवसरों का पूरा सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों को नई जॉब के प्रस्ताव भी मिल सकते हैं, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा आय बढ़ाने वाली होगी तथा अच्छा और शुभ फल देने वाली होगी। तथा मेष राशि के जातकों को जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर आने वाले भविष्य के दिनों के लिए बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं, जिसका आपको बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। व्यापार में जो लोग हैं, अपने मित्रों या और भाइयों के सहयोग से अपने व्यापार को आप 4 चांद लगा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को काफ़ी आगे बढ़ा सकते हैं। और सूर्यदेव की आप पर भरपूर कृपा है, फिर भी आप सूर्य को एक लोटा जल अवश्य चढ़ाएं और सूर्य मंत्र भी बोलें। सूर्य मंत्र मैंने एक और वीडियो डाला, उसमें बताया था, फिर इसमें लास्ट में बता देंगे। सूर्य मंत्र बोलकर आप जल चढ़ाएंगे, आपकी ज़िंदगी में सोने पर सुहागा की तरह आपकी ज़िंदगी में लाभ के योग बनेंगे। अगली राशि है वृषभ राशि। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें वृषभ राशि वाले भी। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य गोचर बहुत लाभकारी रहने वाला है। आप अपने कार्य के स्थान पर जहाँ काम करते हैं, वहाँ आपको आपकी मेहनत के आपके काम की पूरी प्रशंसा अब होगी। नौकरी में इसीलिए आपको अब प्रमोशन भी मिल सकता है, और प्रमोशन मिलेगा तो आपकी आय में वृद्धि भी संभव है। धन आगमन के नए नए मार्ग खुलेंगे और निवेश आपने पहले किया होगा उसका अच्छा रिटर्न मिलेगा, और आप सूझबूझ के साथ फिर नया निवेश भी कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले दिनों में बढ़िया फायदा मिलेगा। तथा जो लोग व्यापार क्षेत्र में, आप व्यापार के विस्तार योजना के बारे में जो पहले से प्लान बना रहे थे, वह अब आपको पूरा करने का समय आ गया है। आपको किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा। सूर्यदेव आपकी किस्मत को चमकाएंगे। आप अपने व्यापार को बढ़ाने की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं, और परिवार में आपकी सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। सुख सुख समृद्धि के साधन बढ़ेंगे आपके परिवार में। परिवार वाले सभी प्रसन्न रहेंगे और आपको उन सबका पूरा साथ मिलेगा। कहीं आप धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं, जिससे आपका मन और ज़्यादा प्रफुल्लित होगा। फिर आप अपने डबल जोश के साथ आप अपने काम में जुट जाएंगे। अगली भाग्यशाली राशि है मिथुन राशि। चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए मिथुन राशि वालों। मिथुन राशि वालों को सूर्य गोचर के प्रभाव से अपनी पुरानी परेशानियों से अब छुटकारा मिल सकता है। उनके शरीर में कोई तकलीफ होगी या आर्थिक परेशानियां होंगी या परिवार में कष्ट या परेशानियां कलह होगी, सभी परेशानियों से छुटकारा पाने का समय आ चुका है। सूर्यदेव कर्क राशि में प्रवेश के साथ ही आज से ही आपके जीवन में उजाला करेंगे और आपकी हर परेशानी अंधकार की तरह छट जाएगी। यह आपके तरक्की व मुनाफे का समय भी रहने वाला है।
आप आने वाले दिनों में आरामदायक जीवन गुजारेंगे। जो लोग व्यापार क्षेत्र में, उन्हें अपार मुनाफा होगा तथा जो नौकरी क्षेत्र में, उन्हें अपने अवसरों का साथ मिलेगा तथा उनके प्रमोशन के पूरे अवसर बन रहे हैं। लेकिन ट्रांसफ़र के भी योग बन सकते हैं। आपके लिए ट्रांसफ़र आपके भविष्य के लिए बेटर होगा तथा जो लोग नई नौकरी पाने की तलाश में, उनकी आने वाले दिनों में यह तलाश पूरी होगी और उनको मनचाही नौकरी मिल सकती है। अगली भाग्यशाली राशि सिंह राशि। चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए सिंह राशि वालों। सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य हैं, आपके तो स्वामी ग्रह भी सूर्य हैं। इस ऐसे में सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर बहुत अधिक लाभकारी रहने वाला है। आपको चुनौतियों जो मिल रही थी अभी तक जीवन से, उनमें सफलता हासिल होगी। आप उनको चुनौतियों से पार पाकर सूर्य की तरह ही चमकेंगे। आर्थिक तरक्की के नए मार्ग खुलेंगे। करियर में कोई बड़ी उपलब्धि आपको हासिल होगी तथा जो लोग नौकरी व्यापार जहाँ कहीं भी संलग्न हैं, उनको उस एरिया में तरक्की ही मिलेगी। आपकी अपने कार्य क्षेत्र में प्रशंसा होगी। करियर में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। प्रमोशन हो सकते हैं। जो लोग नए नौकरी के तलाश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे थे, बेहतर परिणाम, शुभ परिणाम की आशा रखिए। आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग का भी पढ़ाई लिखाई में खूब मन लगेगा और वह अपने अच्छे भविष्य की नींव अच्छी रखेंगे अच्छी पढ़ाई कर। अगली सबसे भाग्यशाली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य गोचर लाभकारी रहने वाला है, क्योंकि अब इनके जीवन में अंधकार छटकर उजाला फैलेगा। सूर्य देव की कृपा से इनके सभी बिगड़ते काम अब बनने लगेंगे। पूरे महीने भर इनकी मौज रहेगी वृश्चिक राशि वालों की। इस अवधि में आपको नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं। यदि आपको सुटेबल हो तो आप अपनी नौकरी चेंज भी कर सकते हैं तथा इस अवधि में आपको अच्छा धन लाभ होगा। पुराना कहीं निवेश किया होगा तो उसका आपको रिटर्न मिलेगा और नया निवेश आप सोच समझ कर करेंगे, उसका भविष्य में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा और आपके खर्चों में अब कमी आएगी। आपके जीवन में खर्चे स्थिर हो रहे हैं। आपको जो खर्चा बड़े बड़े करने थे वो आप कर चुके हैं। स्थिरता वाला जीवन अब आप देखेंगे। आप इसीलिए अब आपका धन संचय बढ़ेगा तो इस महीने आप धन संचय करने में सफल रहेंगे और धन आने के नए नए रास्ते बढ़ेंगे जिन पर आप काम करेंगे। अपनी योजनाओं पर धन कमाने के नए रास्तों की सोच पर यदि आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अवश्य नए नए रास्तों से धन की उपलब्धि होगी। और जो लोग व्यापार क्षेत्र में हैं, उनका व्यापार सातवें आसमान पर होगा। खूब तरक्की मिलेगी तथा आपको नए नए ऑर्डर मिलेंगे। आप अपने व्यापार की जो आप एक्सटेंशन करना चाह रहे थे यानी व्यापार को बढ़ाना चाह रहे थे, वह भी अब आप पूरा कर सकते हैं। आपके सभी पुराने सोचे हुए काम अब पूरे होंगे। जीवन क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। जो लोग कॉम्पिटिटिव एरिया में कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम्स दे रहे थे, उनको शुभ परिणाम प्राप्त होने की संभावना है तथा कोई नौकरी के नए ऑर्डर भी आ सकते हैं। आप पॉजिटिविटी के साथ अपने काम में मेहनत से आगे बढ़ते हैं, इसका आपको आने वाले दिनों में पूरा फायदा मिलेगा। हर क्षेत्र में जो लोग पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं, उनकी वाहवाही होगी, बढ़ाई होगी। इससे आप बहुत ज़्यादा आपका कीर्ति या मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सभी राशि वालों से रिक्वेस्ट है हमारे वीडियो के अन्य मतलब चैनल के वीडियो भी देखें, इस वीडियो को शेयर भी करें तथा बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे नई वीडियो जाने की आपको खबर समय से मिलती रहे। हमारी लाइव स्ट्रीम्स भी देखें, योगा प्राणायाम एवं रामायण, और जिनका भागवत में रुचि हो वह भी लाइव हमारी स्ट्रीम आती है उनको भी देखें। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ करने के लिए व्यस्त रहें। जय श्री राधे श्याम। लिखें।